हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा कारपेंटर। मैं एक प्री स्कूल टीचर हूँ। मैं आज बात करने जा रही हूँ प्री क्लासेस के बारे में। जो छोटे बच्चे होते हैं, पेंसिल पकड़ना तक नहीं आता। आप सोच रहे हो कि आप उन्हें सिखाए ABCD ए, अब हमें पता है कि ये ए है, लेकिन उनको ऐसा लगता है ए क्या होता है, उन्हें थोड़ी ना पता ए है। अब हम कहीं जाएंगे, अमेरिका गए हम लोग, और हमसे पूछ ले ये वाली जगह बताओ। अब हमें उस जगह के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम लोग डरेंगे ना उसके बारे में जान के। वैसे ही वो ए से डरते हैं। चलो ए के बारे में तो बाद में सोच, आज हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में। अब जैसे बच्चों को बता दिया बहुत सारा कि ये वाला शेप ये है, ये वाला शेप ये है, ये वाला शेप ये है, तो सारा उन्हें बताना ही क्यों है? एक साथ में उन्हें बहुत सारा खाना खिलाओगे तो वो खा थोड़ी ना पाएंगे, उनका पेट तो इतना सा बड़ा है, तो उन्हें क्यों ना थोड़ा थोड़ा खिलाया जाए। उसी तरह हमें उन्हें इतनी सी चीज बतानी है छोटी सी, ताकि वो उन्हें याद रहे। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि पढ़ाई को कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि ताकि बच्चे बोर ना हो और उन्हें वो चीज याद भी रहे, ताकि वो घर जाए तो मम्मी को बता सके, मम्मी मैम ने बताया था ये वही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक में पढ़ा, स्कूल में बुक पढ़ी और खत्म। जो चीजें हमने पढ़ी है वो वाली चीज हमें भी नहीं आती है, वो हमें काम ही नहीं आ रही, तो क्यों ना उन्हें इस तरह से बताया जाए जो उन्हें काम आए, डेली लाइफ में डेली रूटीन में वो चीज कर पाए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, आज हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के। हेलो किड, ओके, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? पूरी। ओके, आपका पिज्जा? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपने मुझे बताया था पूरी के बारे में, जो आपकी पूरी है वो कुछ इस तरह से रहती है, राइट? यही शेप होता है ना आपकी पूरी का? ये भी शेप है क्या आपकी पूरी का? ये भी पूरी वाला शेप है, राइट? और आपकी मम्मी जो रोटी बनाती है उसका शेप भी यही होता है क्या? यही होता है। तो इस शेप को हम बोलेंगे सर्कल। इस शेप को हम क्या बोलेंगे? सर्कल। तो ऐसी चीजें जैसे ये चूड़ी, अब बुक में तो सिर्फ दे रखा है सर्कल, तो ये चूड़ी, जो बैंगल है इसका शेप भी सर्कल है, जो वो प्लेट हमने बताई थी उसका शेप भी सर्कल है, मम्मी जो रोटी बनाती है उसका शेप भी सर्कल है, जो मून होता है वो भी सर्कल है, हमारी जो अर्थ है वो भी सर्कल है। तो क्यों ना हम बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं कि वो इंटरेस्टेड हो और वो उस चीज को बता सके जो डेली रूटीन में वो यूज कर सके। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा है तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए।